श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आज कर रही हूँ मैं करवा चौथ की शॉपिंग और आप लोगों को भी बताऊंगी कि क्या नया आया है मार्केट में कपड़ों से रिलेटेड और चूड़ी बिंदी ये सब। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं लक्ष्मी नगर मार्केट। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को ले चलते हैं लक्ष्मी नगर मार्केट और पहुँच गए हम लक्ष्मी नगर मार्केट में और आज करनी है मुझे करवा चौथ की शॉपिंग। तो चलिए मार्केट के अंदर चलते हैं। मुझे लेना है एक सूट और मेकअप का जो भी सामान होता है वो। तो चलिए यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है और अभी पहुँचने वाले हैं हम विजय चौक में। तो इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं। अभी बहुत भीड़ हो रखी है, थोड़ी देर बाद और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी तो 3 बजे हैं इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन धूप नहीं लगती है इस मार्केट में क्योंकि ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं ना, तो इसलिए। चलिए, कैसे दे रहे भैया चप्पल? 100 रुपये के? तो यहाँ पर ओसवाल का शोरूम भी है जहाँ से कि हम कपड़े खरीदते हैं और अच्छे होते हैं ओसवाल के कपड़े। और इधर ये दुकानें लगी हुई हैं, ये दिए भी मिलने लग गए हैं दीपावली के, ये करवा गरवा जो भी है। यहाँ पर चूड़ी की दुकान है तो चलते हैं चूड़ी की दुकान पे। वैसे ये अब महंगे देने लग गया है चूड़ी, ज़्यादातर चूड़ियाँ मेरी इसी दुकान से जाती हैं, चाहे शादी पार्टी फंक्शन हो या फेस्टिवल हो। लेकिन चूड़ियों के ना जो रेट हैं वो दुगने हो चुके हैं, पहले बहुत अच्छी और सस्ती रेट पे मिल जाते थे। और मुझे रेड कलर ही लेना है। तो जो ये कड़े हैं 4 का सेट वो 250 के अराउंड है। तो मैंने एक दो जोड़ी कड़े भी लिए हैं, चूड़ियाँ भी ली हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आप लोग भी बताना कि सबसे अच्छी चूड़ियाँ कौन सी लग रही है, मतलब कड़े कौन से लग रहे हैं। अभी चूड़ियाँ भी आप लोगों को बताऊंगी मैं तो किस टाइप के लिए है मैंने। वैसे अगले ब्लॉग में मैं सारा बताऊंगी आप लोगों को, एक अलग से हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग जरूर देखना उस वीडियो को। तो आजकल ज़्यादातर मैंने ये देखा कि रेड कलर बहुत ही ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है करवा चौथ आने वाला है एक दो दिन बाद, तो जैसे दीपावली है, अहोई का व्रत आता है, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, तो रेड कलर ना ज़्यादा ही ट्रेंड में आया हुआ है। मैंने चूड़ियाँ घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मार्केट में हर दुकान के आगे रेड लहंगा और रेड साड़ी, रेड लहंगा और रेड साड़ी तो जरूर मिलेगी आप लोगों को। तो अब हम बढ़ गए हैं आगे की तरफ और यहाँ पर चले गए हैं मेकअप की शॉप में। तो मुझे लेनी थी लिपस्टिक, बाकी सारा सामान मेरे पास है। और एक मुझे नई मांग लेनी थी, मतलब सिंदूर लेना था मदर इन लॉ के लिए भी, अपने लिए भी। और यहाँ पर फ्लावर मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे और टॉप्स मिलते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे, इयररिंग्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत सामान मैंने ले लिया है। भीड़ देखिए। तो गाइस चलते हैं टिप टॉप में और देखते हैं टिप टॉप में, टॉप भी देखना है बाबू के लिए और लिपस्टिक भी मिल जाती है यहाँ पे टिप टॉप में। तो चलिए टिप टॉप में चलते हैं और काफ़ी सारे कपड़े लेते हैं हम टिप टॉप से भी। लैक्मे और यही दिखा दीजिए, और कौन सा कलर बार भी है? कलर बार का कितने का रेंज स्टार्टिंग सब कुछ? वैसे मेरे पास सारा कुछ पड़ा है लेकिन लिपस्टिक, मांग, बिंदी और चूड़ी नई ली है मैंने और सूट नया लिया है जो कि मुझे सुबह डालना है। तो यहाँ पर देख रही हूँ मैं सूट, यहाँ पर शरारा और गरारा ही मिल रहे थे तो मैंने यहाँ से नहीं लिया है, बस एक दो सूट देखे मैंने। और मुझे शरारा गरारा नहीं लेना है, मुझे सिंपल लेना है जिसको कि मैं बाद में भी पहन सकूँ, क्योंकि इनको ना शादी फंक्शन में या पार्टी में ही पहन सकते हैं ज़्यादातर, और मुझे ज़्यादा चमक धमक अच्छा भी नहीं लगता है। और ये पार्टी वियर टाइप के थे और 3000 से शुरू थे तो थोड़े से मुझे ये महंगे लगे। कृष्ण हरे कृष्ण।
तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। बाइवा के शोरूम में हम चले गए हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो कुर्तियाँ हैं वो फेस्टिवल टाइप में ही हैं, मतलब फेस्टिवल के लिए ही थी, लेकिन यहाँ पर भी 2,000, 2,500, 3,000 ऊपर तक बहुत मतलब रेंज था यहाँ पर, और कोई भरा भरा कोई एकदम सिंपल, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और कल हम नहीं लेके आए सूट, मुझे पसंद ही नहीं आया कहीं पर, तो अभी यहाँ पर भी मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा, कोई एकदम ज़्यादा भरा भरा और कोई एकदम सिंपल, लेकिन रेट जो था वो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था। तो अगले दिन हम चले गए थे V3S मॉल में फिर, और यहाँ पर मैं एक बार ओरेला में देखना चाहती थी, ट्राई करना चाहती थी, तो चलिए ओरेला के अंदर जाते हैं। तो हम आ गए हैं मॉल के अंदर, एंट्री कर ली है हमने और काम चल रहा है मॉल पे अभी। ये है हमारे घर के ठीक सामने वाला मॉल, और सबसे पहले चलेंगे हम ओरेला में और उसके बाद चलेंगे हम लिवास में। सबसे पहले ओरेला में देखते हैं, ओरेला उधर है ये सामने। ओरेला में बहुत सुंदर कलेक्शन आया हुआ है, लेकिन रेट यहाँ के 3,500-4,000 तक के थे। ओरेला के V3S में दो शोरूम हैं, एक बेसमेंट में है और एक ग्राउंड फ्लोर में है, तो हम ग्राउंड फ्लोर वाले में जाते हैं बाद में। और यहाँ पर ये प्लाजो सहित और ये बहुत महंगे थे 4,000-4,000 के, लेकिन ओरेला में जो कलेक्शन आया हुआ है बहुत सुंदर आया हुआ है, मुझे अच्छा लगा। और एक कुर्ती मैंने यहाँ पर सेलेक्ट तो कर ली थी लेकिन ली नहीं, मैंने सोचा कि पहले मैं नीचे देखूँ कि नीचे कैसा आया हुआ है, उसके बाद जाते हैं हम रिलायंस में। तो कपड़े फेस्टिवल तरीके के तो बहुत आ रखे हैं, लेकिन रेंज भी उनके दुगने हो गए हैं। रेंज सुन के ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। पहले यहाँ पर 1,500-2,000 तक की कुर्ती अच्छे से मिल जाती थी और प्लाजो सहित मिल जाती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं। और ये अप्सरा साड़ी शेल है, तो अप्सरा में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पर 10-10, 15-15 हज़ार के थे, लेकिन 70% डिस्काउंट लिखा हुआ है। अब 70% किस पे था ये मुझे पता नहीं है, मैं अंदर गई ही नहीं। तो यहाँ पर अभी हम चले गए हैं ऊपर रिलायंस में, तो रिलायंस में भी नहीं, स्टेन मैक्स है ये, सॉरी स्टेन मैक्स में भी मैंने देखा। तो गाइस बहुत जगह देख लिए हैं कुर्तियाँ, बस ओरेला में कुर्ती पसंद आ रखी है, लेकिन बाबू के लिए भी टॉप देखा था अभी स्टेन मैक्स में, बहुत महंगा 1,300-1,295 का, लेकिन इतना महंगा मुझे नहीं लेना है। तो अभी पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में और जाएंगे इसके बाद सेकंड फ्लोर में। अभी हम गए हैं रिलायंस के शोरूम में और यहाँ पर वूलन में भी आ गए हैं कपड़े, और मैं टॉप देख रही हूँ बाबू के लिए, तो उसको अच्छा नहीं लगा ये। ये देखिए बहुत अच्छा टॉप था, लेकिन कह रही कि मुझे नहीं लेना है, मुझे वूलन का ही लेना है, और अभी विंटर सीजन आ गया है, उसका कहना भी ठीक है। और यहाँ पर एक फ़्रॉक उसको पसंद आ रखी थी कट स्लिप में, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं लेना अब। तो यहाँ पर भी कुर्तियाँ अच्छी अच्छी थी, फ्लोर टच। यहाँ पर ना ज़्यादातर रिलायंस में क्या होता है कि जो फ्लोर टच कुर्तियाँ होती है ना, कुर्ती टाइप में, मतलब स्ट्रेट टाइप में नहीं, गोल टाइप में, ये देखिए वुलन के भी आ रखे हैं, तो वो ज़्यादातर होते हैं यहाँ पर, ऐसे स्ट्रेट में कम ही मिलती है यहाँ पर। और ये वुलन कुर्ती कितनी सुंदर लग रही है, प्यारी सी कुर्तियाँ यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी। और मैं सोच रही थी कि एक बार नीचे बिंदल में जाके देखते हैं, और बिंदल में मुझे अच्छी लगी कुर्तियाँ, वहाँ से ली मैंने। तो पहले आप ये देखिए रिलायंस में देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी फ्लोर टच कुर्तियाँ आई हुई है, यहाँ पर ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन महंगी मिलती है। और कलर में भी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे रेडिश पिंक और पीच चाहिए था। तो ये देखिए ये रिलायंस का शोरूम है V3S मॉल का, और यहाँ पर ठीक होती है कपड़े। और ये जो सारी कुर्तियाँ हैं ये 1,000, 1,500 और 2,000 तक की कुर्तियाँ हैं सब। और अभी हम चले गए हैं नीचे बिंदल में, तो यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए थे, और बिंदल में मैं ट्राई कर रही हूँ। ये बिंदल में ओरेला की ही कुर्तियाँ हैं, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड थे यहाँ पर, मुझे इतना मैंने ध्यान नहीं दिया और ब्रांड पर। तो ओरेला की कुर्तियाँ मैं बहुत पहले से पहनती आ रही हूँ, और आप लोग भी बताना कि सबसे अच्छी मेरे पे कौन सी लग रही है। और एक ये वाली थी, अच्छी लगती है ओरेला की कुर्तियाँ, मैं बहुत पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा, ज़्यादातर मैं ओरेला की ही पहनती हूँ अगर मुझे कोई ब्रांड पहनना हो तो। मैंने अपनी कुर्तियाँ तो कर ली थी सिलेक्ट, और आप ध्यान दीजिए के लिए करते हैं।
सेलेक्ट, क्योंकि उनको भी तो चाहिए, तो वो कुर्ता पजामा देख रहे हैं अपने लिए, उनको कुर्ता पजामे का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बिंदल में ही हम कुर्ता पजामे देख रहे हैं। और टेढ़ी खीर है, इनको कुछ भी चीज़ पसंद कराना, बोलते थे लेडीजों के लिए है ना, लेकिन लेडीजों से ज़्यादा जेंट्स नखरे करते हैं, तो इनको 50 चीज़ दिखा लो लेकिन 50 चीज़ में से एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने लिया है करवा चौथ की शॉपिंग की है, उसका एक अलग से हॉल आएगा और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कितने का लाई, क्या लाई हूँ और क्या ख़रीदा है मैंने, अलग से हॉल वीडियो बनाऊंगी कल। तो गाइस, ये दीपावली की कुर्ती तो मैंने ले ली है और अभी करवा चौथ में जो पहननी है वो देख ली है, लेकिन अभी ली नहीं है। एक कुर्ती तो मैंने नीचे बिंदल वाली ओरिला से ले ली है और अभी एक जो सेलेक्ट की हुई है ऊपर ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ से भी उठा लूँगी मैं। और उसके बाद जो भी मुझे चुन्नी और मैचिंग करना होगा पैंट, वो सब मैंने किया। फिर आ गए हम घर की तरफ और आप लोगों को कल इसका हॉल वीडियो ज़रूर मिलेगा और ज़रूर बताऊँगी कितने का लिया, क्या लिया मैंने करवा चौथ की शॉपिंग। तो चलिए, मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ यहाँ पर, मिलती हूँ आप लोगों को कल। बाय बाय।